हेलो गाइस, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पैसिफिक अकाउंट्स में। आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के क्वेश्चन नंबर 111 111 से लेके 115 तक। सो क्वेश्चन नंबर 110 तक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन देखना है तो जाके देख सकते हो इस चैप्टर की प्लेलिस्ट से। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। कोई भी क्वेरी होती है तो ज्वाइन कर सकते हो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप पैसिफिक अकाउंट्स, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है इस ग्रुप का भी। सो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के पास, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट कर दो। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111 क्या गिवन है। देखो, एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:1। देयर बुक शोड ए गुडविल एट 50,000। मतलब ये क्या ऑलरेडी अपियरिंग गुडविल है, किस रेशियो में बटेगी, ओल्ड रेशियो में। जेड एडमिट हुआ 1/5 शेयर के लिए विच ही एक्वायर इक्वली फ्रॉम एक्स एंड वाई। तो सेक्रीफाइजिंग रेशियो आ गया अपने पास 1:1, इक्वली लेके जा रहे हैं ना अपने पास जेड फ्रॉम एक्स एंड वाई। तो सेक्रीफाइजिंग रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1। ही ब्रिंग 7,50,000 एज इज कैपिटल बट इज अनेबल टू ब्रिंग इन कैश फॉर इज शेयर ऑफ गुडविल 40,000। क्वेश्चन ने बोला वो कैपिटल तो ले आया लेकिन गुडविल लेके नहीं आया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर उसका करंट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। और क्वेश्चन में करना क्या हमें, गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। तो फर्स्ट एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास, बैंक अकाउंट डेबिट या फिर कैश अकाउंट डेबिट, कैसे भी कर लो, बैंक अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, जो भी आपको करना है। 2 जेड से कैपिटल अकाउंट, कितनी कैपिटल लेके आया ये, 7,50,000 की कैपिटल लेके आया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास, जेड से कैपिटल अकाउंट डेबिट क्या आएगा, सॉरी ये नहीं आएगा अपने पास, जेड से करंट अकाउंट आएगा क्योंकि वो गुडविल लेके नहीं आया। तो कौन सा अकाउंट ओपन करेंगे हम, उसका जेड का करंट अकाउंट। तो एंट्री क्या आएगी, जेड से करंट अकाउंट डेबिट 2 एक्स कैपिटल अकाउंट एंड 2 वाई कैपिटल अकाउंट। तो उसे गुडविल कितनी लेके आनी है, 40,000 उसे गुडविल लेके आनी है, कितनी 40,000। क्वेश्चन में बोला हुआ कि वो 40,000 गुडविल लेके आएगा, इस 40,000 को पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सेक्रीफाइजिंग रेशियो में। पार्टनर्स का सेक्रीफाइजिंग रेशियो क्या है, 1:1। तो कितनी अमाउंट आ जाएगी, 20,000 एंड 20,000। तो एंट्री क्या बनी अपने पास, बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट 7,50,000, उसके बाद जेड्स करंट अकाउंट डेबिट टू एक्स एंड वाई। एक एंट्री और आएगी जो ओल्ड गुडविल अपने पास कितने की, 50,000 की, इसे भी पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो एंट्री क्या बन जाएगी फिर अपने पास, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट वाईज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, कितना आएगा, सॉरी जेड नहीं आएगा, टू गुडविल अकाउंट, कितनी गुडविल है, 50,000 किस रेशियो में बटेगी, ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या अपने पास, 2:1। तो ये तो पॉइंट में आएगा, 50,000 डिवाइडेड बाय 3 ये आ जाएगा 16,667 एंड 33,333, ठीक है। तो अपने पास तीन एंट्री होगी। फर्स्ट एंट्री देखो एक बार फिर से बता देता हूं मैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू जेट्स कैपिटल अकाउंट, जेट जो कैपिटल लेके आया 7,50,000, ठीक है। उसके बाद जेड अपने हिस्से की गुडविल लेके नहीं आया तो हम क्या करेंगे, उसका करंट अकाउंट ओपन करेंगे। तो एंट्री क्या बन जाएगी अपने पास, जेड्स करंट अकाउंट डेबिट टू एक्स एंड वाई सैक्रिफाइजिंग रेशियो के अंदर। उसके बाद जो पुरानी गुडविल अपने पास 50,000 की, ओल्ड गुडविल है, वो पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे अपने ओल्ड रेशियो में। ये हो गया आंसर अपने पास क्वेश्चन नंबर 111 का। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112। एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 5:3। दो पार्टनर्स है ए एंड बी, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 5:3। दे एडमिट सी एज ए पार्टनर, उन्होंने एक नया पार्टनर सी एडमिट किया, कितने शेयर के लिए, 1/3 शेयर के लिए। इज ए शेयर ऑफ गुडविल इज 32,000। गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्री इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, हमें क्या करना है, जर्नल एंट्रीज पास करनी है। फर्स्ट केस, व्हेन द गुडविल इज पेड प्राइवेटली, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे नो एंट्री। जब भी गुडविल प्राइवेटली लिखा हो आपको वहां पे सिंपल लिख देना है नो एंट्री। तो ए केस का क्या आंसर आ जाएगा अपने पास, सिंपल नो एंट्री। सेकेंड, When the goodwill is received in cash and retained in the business, goodwill आई कैश में और रिटेन हो गई बिजनेस में। तो सेकेंड केस में क्या करेंगे, कौन पार्टनर लेके आ रहे हैं, सी। तो एंट्री क्या आएगी अपने पास, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। सेकेंड केस की एंट्री कर रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, सिर्फ प्रीमियम फॉर गुडविल की ही एंट्री हमें करके देनी है। यहाँ पे कितना आएगा उसका शेयर, कितना यहाँ पे, 32,000। अब सेकेंड एंट्री क्या होगी अपने पास, ये तो फर्स्ट हो गई, इसी की सेकेंड एंट्री क्या आ जाएगी, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट एंड टू बीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है।
कितना आ जाएगा अपने पास, गुड प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है 32,000, किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो गई है, सैक्रिफाइजिंग रेशियो में। सैक्रिफाइजिंग क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन में, ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइजिंग हो जाएगा, क्यों, क्योंकि नए पार्टनर के शेयर से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है कि उसको ए एंड बी ने ये रेशियो किस में दिया है, तो ओल्ड रेशियो क्या हो जाएगा अपने पास, सैक्रिफाइजिंग। सो 32,000 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 5 ये आ जाएगा 20,000 एंड 12,000, ठीक है, ये अपने पास हो गया सेकंड केस कंप्लीट। नाउ द थर्ड केस, व्हेन द गुडविल इज रिसीव्ड इन कैश एंड विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स, गुडविल कैश में रिसीव हुई और पार्टनर्स ने विड्रॉ कर ली, तो पहली दो एंट्री तो सेम रहेगी थर्ड केस में। जब हम थर्ड केस को सोल्व करेंगे तो थर्ड केस में बी केस की फर्स्ट एंट्री और सेकंड एंट्री तो सेम ही आएगी, ये दोनों एंट्री बाय गुडविल आई और पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगी गेनिंग रेशियो में। अब एक एंट्री इनके अलावा और आ जाएगी, थर्ड एंट्री आ जाएगी, क्या एंट्री आ जाएगी, पार्टनर्स ने गुडविल विड्रॉ कर ली, तो ए और बी हमने यहाँ पे क्या किए थे क्रेडिट, अब क्या कर देंगे डेबिट, तो एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, पूरी गुडविल विड्रॉ हो गई, तो अब पूरी गुडविल कितनी है 32,000, तो कितनी अमाउंट जाएगी बैंक से 32,000, 20 एंड 12 पार्टनर्स को मिले थे, 20 एंड 12 पार्टनर्स को मिले थे जब हमने इनकी कैपिटल क्रेडिट की थी, जब ये अमाउंट इनको मिली थी, अब इनसे हम ये अमाउंट वापस ले रहे हैं तो इनकी कैपिटल डेबिट कर देंगे और बैंक क्या हो जाएगा क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। वो दो एंट्री अगर आप दिखाना चाहो तो दिखा दो, अदरवाइज डायरेक्ट कर दो, वो भी ठीक है। नाउ फोर्थ केस, व्हेन सी इज अनेबल टू ब्रिंग प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश, जब वो अमाउंट लेके नहीं आया कैश में, तो हम क्या करेंगे फिर, अकाउंट ओपन करेंगे सी का करंट अकाउंट, तो एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास, सी इज करंट अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल अकाउंट एंड टू बी इज कैपिटल अकाउंट, तो कितना गुडविल लेके नहीं आया वो 32,000 का, किस रेशियो में बटेगा भाई, सैक्रिफाइजिंग रेशियो में, 20,000 एंड 12,000, सी इज करंट अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल अकाउंट एंड टू बी इज कैपिटल अकाउंट, 32,000 किस रेशियो में बटा, सैक्रिफाइजिंग रेशियो 5:3 में, ठीक है। तो ये अपने पास आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 112 का। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113 क्या गिवन है, सरन एंड अंगद आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:2, दो पार्टनर्स है सरन और अंगद, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितने का, 3:2। 1 अप्रैल 2022 को उन्होंने एडमिट किया अखिल को 1/5 शेयर के लिए प्रॉफिट में, कितने शेयर के लिए, 1/5 के लिए, अखिल एक्वायर 1/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम सरन, अपने हिस्से का 1/5, एक्चुअल में मिल कितना रहा उसको 1/5, और अपने हिस्से का 1/5 वो किससे लेके जा रहा है, सरन से, और बैलेंस किससे लेके जाएगा, अंगद से, तो बैलेंस कितना लेके जाएगा फिर वो, 1 - 1/5 कितना आ जाएगा, 4/5। ऑन द डेट ऑफ अखिल्स एडमिशन द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 90,000, अखिल के एडमिशन के दिन पे गुडविल कितनी वैल्यू की, 90,000। अखिल कॉन्ट्रीब्यूटेड द फॉलोइंग एसेट्स टुवर्ड हिज कैपिटल एंड द शेयर ऑफ गुडविल, कैश, डेटर्स, लैंड एंड बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी, चार चीजें लेके आए वो। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द सैक्रिफाइजिंग रेशियो ऑफ पार्टनर्स एंड सेकंड केस पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज ऑन अखिल एडमिशन एज सर्टेनिंग अखिल्स कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन एंड अज्यूमिंग दैट ही ब्रिंग्स इन टू द फर्म इज अ शेयर ऑफ प्रीमियम गुडविल इन कैश काइंड, ठीक है। चलो कैसे करेंगे, सबसे पहले सैक्रिफाइजिंग रेशियो निकालना है, सैक्रिफाइजिंग रेशियो के लिए हमें क्या चाहिए यहाँ पे, कि किस पार्टनर ने कितना शेयर सरेंडर किया, वही सैक्रिफाइजिंग हो जाएगा, न्यू रेशियो क्वेश्चन ने बोला ही नहीं, तो कैलकुलेट करने की ऐसा कोई रिक्वायरमेंट है नहीं यहाँ पे, तो कैसे करेंगे देखो फिर। फर्स्ट केस, ओल्ड रेशियो क्या है पार्टनर सरन और अंगद का, ओल्ड रेशियो अपने पास है 3:2 इनका ओल्ड रेशियो, ठीक है, ये इनका ओल्ड रेशियो हो गया। अब उसके बाद क्वेश्चन ने बोला दे एडमिट अखिल एज ए न्यू पार्टनर, अखिल आ रहा है कितने शेयर के लिए आ रहा है, 1/5 शेयर के लिए अखिल आया है। अब अखिल 1/5 शेयर के लिए तो आया है, लेकिन ये 1/5 शेयर का क्या, 1/5 शेयर जो इसको मिलेगा उसका 1/5 पार्ट ये किससे लेके जाएगा, सरन से, और जो बैलेंस बचेगा 4/5 पार्ट ये कैसे आएगा, 4/5, 1 - 1/5 कितना आ जाएगा, 4/5, बैलेंस 4/5 किससे लेके जाएगा, ये अंगद से, किससे लेके जाएगा, अंगद से, ठीक है। तो पार्टनर कितना सैक्रिफाई कर रहा है यहाँ पे, सरन 1/5, अंगद कितना कर रहा है, 4/5, तो अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट सैक्रिफाइजिंग रेशियो बताए तो क्या आ जाएगा, 1/5 रेशियो 4/5 कितना आ जाएगा अपने पास, 1:4 इज द सैक्रिफाइजिंग रेशियो ऑफ पार्टनर सरन एंड अंगद। देखो अखिल को मिलना है 1/5 शेयर, इस 1/5 शेयर का 1/5 पार्ट कौन दे रहा है, सरन दे रहा है, तो रिमेनिंग कितना बचेगा, 1 - 1/5 भाई, टोटल शेयर में से 1/5 इसने दे दिया, तो बैलेंस कितना बचा, 4/5, ये 4/5 कौन देगा, अंगद देगा, तो पार्टनर्स का सैक्रिफाइजिंग रेशियो क्या आ जाएगा, 1:4, हम डायरेक्ट ही बता देंगे यहाँ पे सैक्रिफाइजिंग रेशियो कितना, 1:4, ठीक है। और अगर कैलकुलेट करना है तो देखो ऐसे आएगा,
शेयर सरेंडर बाई सरन टू अखिल, वन बाई फिफ्थ का वन बाई फिफ्थ पार्ट, वन बाई 25। नाउ शेयर सरेंडर्ड बाय अंगद टू अखिल, वन बाई फिफ्थ का फोर बाई फिफ्थ पार्ट, कितना आ जाएगा 4/25। तो पार्टनर्स का सेक्रीफाइजिंग रेशियो कितना आ जाएगा 1/25:4/25। इतना ही सरेंडर किया इन्होंने, 1:4 क्या हो जाएगा अपने पास सेक्रीफाइजिंग रेशियो। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट क्या, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री। तो नेसेसरी जर्नल एंट्री पास करें तो गुडविल कितनी बताई उसके एडमिशन के दिन पे 90,000, और उसका शेयर कितना है प्रॉफिट में 1/5। तो उसका शेयर कितना आ जाएगा प्रॉफिट में, क्या नाम है नए पार्टनर का, अखिल, अखिल से शेयर इन गुडविल, अखिल का गुडविल में कितना शेयर आ जाएगा 90,000 का कैलकुलेट कर लेंगे 1/5, कितना आ जाएगा ये 18,000। ठीक है, अब जर्नल एंट्री कर ले, कौन सी डेट को एडमिशन हुआ इसका 1 अप्रैल 2022। क्या एंट्री आएगी अपने पास, फर्स्ट एंट्री आ जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी डेबिट टू अखिल्स कैपिटल अकाउंट एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो प्रीमियम फॉर गुडविल हमें तो पता है कितना लेके आएगा, वो 18,000 लेके आएगा, लेकिन कैपिटल की अमाउंट हमें कैलकुलेट करनी है। तो कैश कितना आ रहा है 60,000, डेटर्स कितने हैं 20,000, उसके बाद 1,00,000 के अपने पास लैंड एंड बिल्डिंग और 80,000 के अपने पास प्लांट एंड मशीनरी, इन चारों का टोटल कर लो कितना आ जाएगा अपने पास 60 + 20 180, ये आ जाएगा 2,60,000। 2,60,000 रुपए के टोटल वो एसेट लेके आया, 2,60,000 के टोटल एसेट्स में 18,000 किससे रिलेटेड है, गुडविल से रिलेटेड है। तो अपने पास कैपिटल की वैल्यू कितनी आ जाएगी फिर 2,42,000, कैसे आया ये 260 में से 18,000 हमने माइनस कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी, नेक्स्ट एंट्री आ जाएगी अपने पास, ये तो आ गई जर्नल एंट्री उसके एडमिशन के दिन जो अमाउंट लेके आया। अब हम प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर ले, तो एंट्री क्या आ जाएगी, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू सरन्स कैपिटल अकाउंट एंड अंगद्स कैपिटल अकाउंट, सरन्स कैपिटल अकाउंट एंड टू अंगद्स कैपिटल अकाउंट, कितनी अमाउंट है 18,000, किस रेशियो में बटेगी सेक्रीफाइजिंग रेशियो जो कि है 1:4 का। सो 18,000 को किससे डिवाइड कर लेंगे हम 5 से, तो कितनी अमाउंट आ जाएगी 3,600 एंड 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14,400। ठीक है, तो ये अपने पास एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल, यही दो जर्नल एंट्री आएगी, इसके अलावा और कोई एंट्री आएगी, देखो कोई पुरानी गुडविल से रिलेटेड कोई बात हुई है नहीं है, क्या गुडविल विड्रॉ हुई नहीं हुई, बस इतना ही करना हमें। ठीक है, तो ये अपने पास आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 113। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114 क्या गिवन है, ए एंड बी पार्टनर से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या 2:1, उन्होंने एडमिट किया सी को 1/4 शेयर के लिए, सी ब्रिंग करे 30,000 फॉर हिज कैपिटल एंड 8,000 आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ 10,000 फॉर गुडविल, वो 30,000 तो कैपिटल लेके आया और गुडविल का शेयर कितना है उसका 10,000, लेकिन वो 10,000 की गुडविल में से सिर्फ कितनी अमाउंट लेके आया 8,000, तो बैलेंस 2,000 वो लेके नहीं आया। बिफोर एडमिशन गुडविल अपीयर इन द बुक्स एट 18,000, गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्री टू द अबव अरेंजमेंट, हमें क्या करना है नेसेसरी जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले तो जो पुरानी गुडविल है उसे डिस्ट्रीब्यूट कर ले बिटवीन पार्टनर्स। तो फर्स्ट एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, कितनी अमाउंट है पुरानी गुडविल की 18,000, किस रेशियो में बटेगी ओल्ड रेशियो जो कि है 2:1, 2+1 = 3, 18,000 डिवाइडेड बाई 3 कितना आएगा 6,012,000, ये हो गया अपने पास सेकेंड एंट्री। अब सेकेंड एंट्री क्या है, वो कैपिटल लेके आया 30,000 और 8,000 लेके आया गुडविल, तो सेकेंड एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल, कैपिटल लेके आया वो 30,000 की, 8,000 का प्रीमियम फॉर गुडविल, टोटल कितनी अमाउंट लेके आया वो 38,000। ठीक है, अब नेक्स्ट थर्ड एंट्री क्या आ जाएगी, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट कितनी अमाउंट से 8,000 से, लेकिन टोटल उसका शेयर कितना है 10,000, तो वो कितनी अमाउंट लेके नहीं आया 2,000, ये अमाउंट कहां से आएगी उसके करंट अकाउंट से, तो क्या लिखेंगे सीज करंट अकाउंट डेबिट।
भाई टोटल 10,000 लेके आना है, 8,000 तो ले आया प्रीमियम पर गुडविल में हमने लिख दिया, 2,000 लेके नहीं आया करंट अकाउंट में लिख दिया टू एज कैपिटल अकाउंट एंड टू बी इज कैपिटल अकाउंट। कितनी अमाउंट है टोटल अपने पास 10,000, 10,000 को किस रेशियो में बांट देंगे सेक्रीफाइजिंग रेशियो, क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन ना हो तो ओल्ड रेशियो ही क्या हो जाएगा सेक्रीफाइजिंग रेशियो, सो 10,000 डिवाइडेड बाय 2+1 3 तो ये पॉइंट में आ जाएगा, ये भी तो ये आ जाएगा अपने पास 3333 एंड 6667 ये अपने पास एंट्री आ जाएगी, हमने किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया इसको 2:1 में, ये तीन एंट्री आ गई अपने पास क्वेश्चन नंबर 114 से रिलेटेड। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115, जे एंड आर आर पार्टनर्स, वी इज एडमिटेड एज फॉर 1/4 शेयर बट इज अनेबल टू कॉन्ट्रीब्यूट प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश अमाउंटिंग टू 80,000, सो इट इज डिसाइडेड टू रेज ए लोन इन द नेम ऑफ वी, हमें क्या करना है एक लोन अकाउंट रेज कर देना, किसके नाम से, वी के नाम से, ठीक है। अब वो प्रीमियम फॉर गुडविल तो लेके नहीं आया, वो गुडविल के अमाउंट लेके नहीं आया, लेकिन हमने क्या कर लिया, वी के नाम से एक लोन अकाउंट रेज कर लिया। यू आर रिक्वायर्ड टू पास ए सिंगल जर्नल एंट्री, सिर्फ एक ही एंट्री पास करनी है टू गिव इफेक्ट ऑफ द अकाउंट। तो एंट्री क्या आएगी, देखो डेबिट किसे करना है हमें नहीं पता, लेकिन क्रेडिट किसे करना है वो तो पता है, टू जेज कैपिटल अकाउंट एंड टू आर्स कैपिटल अकाउंट। कितनी अमाउंट है प्रीमियम फॉर गुडविल की जो उसे लेके आनी थी वो लेके नहीं आया, 80,000। अब ये 80,000 किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, अब क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला तो इक्वल ही है अपने पास, पार्टनर्स का जो रेशियो जे और आर का वो इक्वल है, वी के शेयर से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है कि जे और आर किस रेशियो में सेक्रीफाई कर रहे हैं, तो जो ओल्ड रेशियो वही अपने पास सेक्रीफाइजिंग हो जाएगा, तो यहाँ पे कितनी अमाउंट आ जाएगी, 40,000 एंड 40,000। भाई ये तो होना ही होना है अपने पास, एक सिंगल जर्नल एंट्री करनी है गुडविल से रिलेटेड तो इतना तो आएगा। अब डेबिट किसे करने, बात सारी आ गई कि हमें डेबिट किसे करें, अगर वो गुडविल लेके आता तो कौन सी एंट्री होती है अपने पास प्रीमियम फॉर गुडविल, अगर वो लेके नहीं आता तो क्या आ जाता उसका करंट अकाउंट, लेकिन क्वेश्चन में आप एक नई बात बोल दी कि वो गुडविल तो लेके नहीं आया लेकिन उसके बदले उसका लोन अकाउंट रेज कर लो, क्या कर लो उसके नाम से लोन अकाउंट रेज कर लो, तो एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास, यहाँ पे क्या लिखेंगे, वीज लोन अकाउंट डेबिट, क्या लिख देंगे हम यहाँ पे, वीज लोन अकाउंट डेबिट टू जेज कैपिटल टू आर्ज कैपिटल। भाई प्रीमियम फॉर गुडविल हम लिख नहीं सकते, हम लिख देते अगर क्वेश्चन ये बोल देता सिंगल जर्नल एंट्री की कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है। दूसरा हम क्या करेंगे, यहाँ पे करंट अकाउंट नहीं लिख सकते क्योंकि क्वेश्चन ने ये बोल दिया कि वो अमाउंट तो लेके नहीं आया लेकिन उसके बदले में उसका लोन अकाउंट हमें रेज करना है, तो हमने क्या कर दिया करंट अकाउंट की जगह हमने क्या कर दिया उसका लोन अकाउंट रेज कर, ठीक है। तो एंट्री क्या आ जाएगी भाई, सिंपल सी बात है, करंट की जगह सिर्फ लोन लिख, तो एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास, वीज लोन अकाउंट डेबिट टू जेज कैपिटल एंड टू आर्स कैपिटल। क्लियर है, आया समझ में, हो गया ये अपने पास क्वेश्चन, हो गया क्वेश्चन नंबर 115, बस इसमें इतना ही करना था। अच्छा ये अगर हम ये लोन अकाउंट का ट्रीटमेंट करेंगे तो एसेट साइड चला जाएगा ये, मतलब क्लियरली क्या कह रहे हैं हम, अगर करंट अकाउंट होता, मान लो अगर किस क्वेश्चन में कुछ नहीं होता करंट अकाउंट होता तो वो भी यही आता अपने पास, ठीक है। तो बस क्वेश्चन ने ये कह दिया कि करंट की जगह क्या रेज कर लो, लोन रेज कर लो उसका, ये अपने पास आंसर है क्वेश्चन नंबर 115 का। तो आज के लिए इतना ही, मिलते नेक्स्ट वीडियो में विद क्वेश्चन नंबर 116।